अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं थोड़ा हाथ मारूं के पास। हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और भाइयों। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त तो बचा नहीं है और हमारे अजीज दोस्तों ने खास करके तालीमी पसमानदगी और अखिलती अदारे के बारे में और 36 जनवरी के बारे में काफ़ी वजाहत से तफसील यहाँ पे लोगों के सामने चीज़ें रखी हैं। तो इसके नज़रिए से मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि हमारे जो मदारिस हो या हमारे तालीमी निज़ाम हो या सिस्टम हो या हमारे इदारे मौजूदी हैं, ये अपनों की बेतवज्जही और गैरों की साजिश के शिकार रहे हमेशा से। और इसके ताल्लुक से हम लोगों ने कोई अपना एक नज़रिया और इसकी जो अफकार और ख्याल होते हैं जिस पर बेहतर बनाया जा सके, इनके निज़ाम को इस पर कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है, जिसका नतीजा हम लोगों को खुद भुगतना पड़ रहा है। तो इसके ताल्लुक से मैं ये बताऊंगा कि आज के दौर में जो हम लोग तालीम हासिल कर रहे हैं या अपने बच्चों को दिलवा रहे हैं, जिस लेवल पे हम लोग देखते हैं कि पब्लिक स्कूल में, जैसा कि पाकिस्तान ने भी वाले सामने जिक्र किया कि इनके बच्चे स्कूलों में जाते हैं, खास कर जैसे DPS है और उसके बाद कोई इनका पब्लिक स्कूल है और बहुत सारे स्कूल्स हैं, और हमारे एज के कैटेगरी के लोग यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, तो इनके बच्चों की जो एज है खास तौर से वो प्राइमरी में आती है और हम जिस एज में दोनों एक हम तवासुल मिलाना चाह रहे हैं, इसकी वापसी हम लाना चाहेंगे कि अगर हम अपने बच्चों की तालीम जो प्राइवेट लेवल पर वो पब्लिक स्कूल में ले रहे हैं, वो जब हम बुढ़ापे की तरफ जाएंगे तो क्या वो बच्चे हमारे इस्लामी शोर को, इस्लामी अखलाक को और उसके अवतार को बरकरार रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, और क्या हमसे उनको उम्मीद होंगी जो इस्लाम के ताल्लुक से अपने हम बच्चों से नेक सॉलिड और अच्छे बच्चे की जो उम्मीद रखते हैं कि इस्लाम के अखलाक उसके अंदर हो, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज ना हो जो इस्लाम के अखलाक को खराब करे, क्या हम उनसे इस तरह की उम्मीद कर सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसके ताल्लुक से मैं आज के जो हालात चल रहे हैं उसमें एक चीज मैं कहूंगा कि आ गया है वक्त, अब वक्त ने फिजा बदलो यारो, आ गया है वक्त, अब वक्त ने फिजा बदलो यारो, कुछ तो होश करो, यू ना बेहोश रहो, यू ना खामोश रहो, क्योंकि जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे, क्योंकि जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे, उस वक्त जीना फर्ज है इंसान का, और है जरूरी लहर के संग खेलना जब समुंदर पर नशा तूफान का। ये एक कहने का मकसद है कि आज के दौर में जो हालात बहुत ज्यादा खराब है, तो हमें अपने प्राइमरी बच्चे जो पब्लिक स्कूल से जा रहे हैं और वो हम उसमें ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत ही इसलिए कि शहर में बस रहे हैं, दिल्ली में बस रहे हैं, वहाँ के हालात और उनकी बेहाई और उनकी जो हम कह सकते हैं कि बदलता क्यों, सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं, हालात किस तरीके से सिसकती हुई समाज हमारे अंदर पाई जाती है, किस तरह बुराइयां नए नए जन्म ले रहे हैं, क्या उन बच्चों को हम बचा पाएंगे आगे चल करके, उसके लिए एक प्याम को चाहिए कि एक लाही अमल जारी करें। और इसी के साथ मैं अपने बात को खत्म करूंगा और खत्म करते हुए थोड़ा सा एक छोटा सा एक बात रखूंगा मैं, जो कहने का मतलब यह है, आओ मिलजुल के चलो पहले यही काम करें, प्याम के ताल्लुक से ये चीज बहुत जरूरी है, और आओ मिलजुल के चलो पहले यही काम करें, सब इखलास और मोहब्बत का चलन आम करें, इसी अंदाज से हर दिल में उतरना होगा, काम भारत के लिए हमको यही करना होगा, अपने भारत को बुलंदी की तरफ लाना है और बहुत दूर तरक्की की तरफ जाना है।